सरकारी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का एक बड़ा बयान सामने आया है। टीचर स्कूलों में पढ़ाते नहीं, गायब रहते हैं। विरोध की और क्या वजह हो सकती है? किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को ऐसा समर्थन नहीं देना चाहिए। तो टीचर पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं, यह बयान दिया गया। नेताओं को समर्थन नहीं करना चाहिए, टीचर इसका अगर विरोध कर रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस की बात को लेकर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके की राजनीति नजर आने लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सचान। कार्य मंत्री राकेश सचान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सचान साहब, एक बड़ा मसला इस समय प्राइमरी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का बना हुआ है। शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बरसात का मौसम है, हम पर ये कड़ाई की जा रही है, हम ऑलरेडी इतने काम में मसरूफ रहते हैं, तरह तरह के काम हमारे पास हैं शिक्षण कार्य के अलावा भी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बेसिक शिक्षा हमारे गांव में गरीब बच्चों तक की शिक्षा देने का काम बेसिक शिक्षा परिषद करता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार चल रही है, जिसका कार्यकाल लगभग 7.5 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। और इनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा पर अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले प्राइमरी स्कूलों पे लोग भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे बच्चों को। आज प्राइमरी स्कूलों की दशा बदली है, और एक तुलना अगर की जाए तो गांव में जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उससे तुलना प्राथमिक विद्यालयों की होने लगी है। अब अगर टीचर जा रहा है और टीचर को डिजिटल सिग्नेचर देने में क्या कठिनाई है? ऐसी कौन सी नया कानून लगा जा रहा है? वैसे भी जाता है वो तो हस्ताक्षर करता है। इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है सचान साहब? पूरे यूपी से विरोध की खबरें आ रही हैं डिजिटल सिग्नेचर को लेकर। देखिए, एक हमारे आप में जो स्थितियां हैं, एक तरफ प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेज चलते हैं, एक तरफ सरकार के जो एडेड कॉलेज चलते हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। प्राइवेट मैनेजमेंट का जो कॉलेज चलता है उसमें लोगों को सैलरी भी कम मिलती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, पठन पाठन का काम अच्छा होता है। हमारे यहाँ उनसे 3 गुना सैलरी भी सरकार दे रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता यह है कि प्राथमिक विद्यालय और सरकारी स्कूलों पे बहुत कम लोगों को, गार्जियन को रहता है कि हम भेजें चुके हैं। वजह क्या? टीचर पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं, क्या वजह क्या लग रही है? और क्या वजह हो सकती है? समय से न पहुँचना, गायब रहना, अगर ध्यान न देना भी। हम सब को, जितने भी अध्यापक हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए, उनको सबको ये सोचना चाहिए कि ये जो सैलरी दे रही है ये हमारे एक एक व्यक्ति के, लोगों का, राजस्व का पैसा है। ये सरकार जो सैलरी आपको दे रही 70,000, 75,000, 1,00,000 रुपए, और अगर उसमें हमें 8 घंटे ड्यूटी करना है तो हम उस भी ड्यूटी पे तो चिंतित हों। काम चोरी कर रहे हैं क्या ये प्राइमरी टीचर? मैं ये नहीं कहता काम चोरी कर रहे, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई नया कानून है क्या भाई? कॉलेज जाने पे डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो डिजिटल सिग्नेचर में फिर क्यों ये सब यूनियन कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया नहीं है और हमारे ऊपर ये कड़ाई थोप का है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हर जगह डिजिटल सिग्नेचर का इंतजाम है सरकार का, हर जगह सड़क है, हर स्कूल में बिजली है। कौन है इसके पीछे? क्योंकि आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल मामला है क्या? अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है, बहन मायावती ने उनका समर्थन किया है। मैं ये नहीं कहता किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स के नेता को कहीं ऐसे ही ऐसा समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर गुणवत्ता में, शिक्षा में सुधार की तरफ कोई सरकार कदम बढ़ा रही है तो उस पर सबको योगदान देना चाहिए, सबको उसको समर्थन देना चाहिए। ये जो फैसला है कड़ाई वाला, जो चढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसका कुछ पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को? क्योंकि अब तो चुनाव है 2027। भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती है 25 करोड़ जनता के हित के फैसले लेती है, उसमें नफा नुकसान की बात योगी जी नहीं सोचते हैं। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले। बहुत शुक्रिया बात करने की। राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि जो फैसला है विद्यार्थियों के हित में है और शिक्षकों को इसे मानना चाहिए। कैबिनेट सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP News, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस के योगी सरकार के फैसले पर खुद बीजेपी के भीतर असंतोष सामने आ गया है। इस मामले में बरेली से बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार की एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी के मुताबिक बीजेपी सांसद गंगवार ने शिक्षा विभाग के महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है। सांसद गंगवार की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर जरूर ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये वायरल है। इससे पहले यूपी बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी सिलसिले में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में बीजेपी को यूपी में जीतना है तो शिक्षकों के अटेंडेंस वाले मुद्दे पर ध्यान देना होगा। हमारे साथ में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं, और देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उस चिट्ठी में जिक्र है जो डिजिटल हाजिरी, इस समय जो प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा, उसका जिक्र है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि ये जो मुद्दा आपने, आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें तो डिजिटल हाजिरी का जिक्र है। अन्याय कहीं भी हो तो उस अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र में सत्य की आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है जो वर्ग कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास ही लिए चलता हूं। अभिषेक, सरकार का तर्क यही बार बार कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, तो क्या राजनीति इस पर भारी पड़ती नजर आ रही है? देखिए अखिलेश, दोनों ओर से तर्क वितर्क चल रहे हैं। सरकार का, हम अगर बात करें बीजेपी का, बीजेपी के अंदर से ही दो ध्रुव भर करके सामने आ गए हैं। आपने बात सुनी इसके पहले जो मैंने इंटरव्यू का, देवेंद्र प्रताप सिंह वो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो अन्याय है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको सुविधाएं नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, दुनिया भर के काम उनसे लेते हैं, कोरोना काल में मौतें हुई हैं, और वो करप्शन का जिक्र भी कर रहे हैं, स्मार्टफोन की खरीद में करप्शन हुआ है। दूसरी ओर राकेश अचान कह रहे हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं, यह फैसला एकदम सही है। तो यह एक तरह से बीजेपी के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर के हमको दो तरह की धाराएं, दो तरह के जो आइडियाज हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच में देखिए ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी के हर जिले में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी बीजेपी को यूपी में मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद यह फैसला ले लिया है प्राइमरी टीचरों के साथ में सख्ती का, इसलिए इसका पॉलिटिकल भी इसका असर हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है, बीएसपी से बहन मायावती का, उनका भी इस मुद्दे पर ट्वीट आ गया। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, लेकिन दिलचस्प यह है कि बीजेपी के अंदर ही जो दो तरह की राय सामने आ रही है। अखिलेश, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।